इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। बड़ी खतरनाक इंद्रिय है रसना। जितना हो सके इस जिभ्या से मीठा बोलिए, दुश्मन से भी अच्छा बोलिए। इतना भी अच्छा नहीं, झूठी तारीफ नहीं, क्योंकि जितना मीठा झूठी तारीफ करोगे ना तो याद रखना मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। जो अपना है उसे अच्छा ज्ञान दीजिए, और जो आपको डांट रहा है, अच्छी सद्बुद्धि दे रहा है, उसका साथ हमेशा दीजिए। शरीर मायने नहीं रखता कि आप कैसे हैं और कितने सुंदर हैं, लेकिन जबान जरूर मायने रखती है कि आप बोलता कैसे बोलते कैसे हैं। क्योंकि महाराज किसी भी चीज की कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। अगर कीमत मायने रखती तो पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आएगी लेकिन माथे पे लगाई जाएगी। बुराई आपकी हजारों कोस फैलती है लेकिन अच्छाई 2 कोस तक नहीं पहुंच पाती। देखा होगा दूध बेचने वाला घर घर जाता है और लोग पूछते, भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया? बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेके ही भी बैठ के पिए तो पानी मिलाएगा पिए तो। बोलिए गोविंद भगवान की। ये दुनिया का ऐसा नियम है, ये दुनिया सुख में हमेशा आगे है और दुख में हमेशा पीछे है। जब किसी की बारात जाती है तो दूल्हा पीछे चलता है और बारात वाले आगे, और जब कोई खत्म हो जाता है तो दुनिया वाले पीछे चलते और अर्थी आगे चलती है। ये ऐसी व्यक्ति है जो अगर कोई खत्म हो जाए और उसकी मिट्टी सबको हाथ लगा दे तो घर पे नहाएंगे आके, हम नहा के अंदर घुसेंगे। लेकिन जो व्यक्ति 2 घंटे पहले आपके साथ था उसे छू करके आप नहाते, और इंसान ऐसे हो चुके बेजुबान को मार के खा जाए। कहते हैं कि बेजुबान को इंसान मार के खा जाता है तब कोई फर्क नहीं पड़ता, और इंसान को हाथ लगा दे तो नहाता है। ये प्रभु का बनाया हुआ मंदिर है ये शरीर, और कोई भी किराया नहीं लगता। आप जहां शहर में रहेंगे रुकेंगे तो कमरे का किराया लगता है, और इतना अच्छा सा शरीर प्रभु ने दिया है इसका कोई भी पैसा नहीं लगता। ये मंदिर है, आप खुद मंदिर बनवाते हो तो उसकी कितनी सफाई रखते हो, हद से ज्यादा। लेकिन ये इसमें अगर गांजा भांग बीड़ी तमाकू सिगरेट शराब सब आ जाए सब, फिर कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करो। ये भी भगवान का बनाया हुआ है, ऐसे भी साफ और स्वच्छ रखिए। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज यहां द्रौपदी के शब्द सुन के दुर्योधन वापस आ गया और मामा शकुनी से बोला कि मामा हमें कुछ भी करना पड़े लेकिन द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। शकुनी ने कहा कि क्या करें। अच्छा शकुनी जुए में बहुत निपुण था। बर्बादी के 3 ही रास्ते हैं, जुआ सट्टाबाजी और शराब। लिखा है दादा, चोरी जैसा धंधा,
इन्होंने एक नगरी बसाई थी। वानप्रस्थ में ये पहुंचे थे पांडव, लेकिन वानप्रस्थ को पांडवों ने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बना लिया था। ये जो इंद्रप्रस्थ है इसका अब असली नाम दिल्ली है। तो पांडवों ने नगरी बसाई थी उसका अब असली नाम दिल्ली है। एक दिन दुर्योधन चला है, जाकर के देखा बड़ी सुंदर नगरी है, बड़ा सुंदर सा महल बना है। तो जहां जल था वहां थल दिखाई दिया और जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। दुर्योधन का पैर फिसला, द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, ताली बजा के हंसी और जवाब दिया, अरे दुर्योधन जी हमें तो पता है कि अंधे के क्या मान रहेगा स्वामी सरकार, साड़ी का पल्लू जब सरकार बोले। यहां द्रौपदी आवाज लगाती है, गोविंद आ जाइए। आप नहीं जानते कि जिस समय आपकी उंगली कटी थी, आपकी हजार पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन कन्हैया हमने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। आप उस साड़ी का बदला दे जाइए। जब रोई है बहना, यहां भगवान बैठे अपने महलों में मुंह छुपा के रो रहे थे। रुक्मणी भोजन लेके पहुंची तो भगवान ने देखा, आंसू पहुंचे। रुक्मणी कहने लगी, क्या बात है गोविंद, आप अकेले बैठे रो रहे हैं। भगवान बोले, हमारी बहन पे बड़ो संकट है, तो यहां बैठे बैठे क्यों रो रहे हैं, आप चले जाइए। भगवान बोले, थोड़ा और तपने दो। एक कहावत है, आप